द हंड्रेड गर्लफ्रेंड हाउ रियली रियली एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं रिंतर अपनी दोनों गर्लफ्रेंड के साथ सिजुका को इंट्रोड्यूस करवाता है। बोलता है कि ये अपनी फेवरेट नॉवल की मदद से सबके साथ बात करती है। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। सिजुका उन्हें लेडी हाना लेडी इंदा इंदा बोलती है कि तुम हमें इतना रिस्पेक्टली लेडी क्यों बुला रही हो, तुम हमें शान बुला सकती हो। सुनकर सिजुका थोड़ा अपसेट हो जाती है। रिंतर बोलता है कि ये एक लाइब्रेरी ने इसलिए उसको बुक से बहुत ज्यादा लगाव है। वो जब बुक्स पढ़ रही होती है वो अपनी टोस से एक्सप्रेशन देती है और वो जब टोस को हिलाती है वो काफी ज्यादा खुश होती है। जब उसका टोस बहुत ज्यादा कांपने लगता है वो काफी ज्यादा डर जाती है। और सिजुका बहुत क्यूट है। ये सुनकर सिजुका थोड़ा साई होने लगती है और वो हाकारी के बारे में बताने लगता है। जब भी वो कुछ सोचती है वो अपनी लिप्स के ऊपर उंगली रख देती है। जब वो कुछ ज्यादा सोचती है तो अपनी उंगली को लिप्स के अंदर घुसाकर चुबाने लगती है। ये मुझे बहुत सेक्सी लगता है। हाकारी बोलती है क्या मैं इतनी सेक्सी हूँ। और करारे को जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो वो अपने बालों को कर्ल करने लगती है। करारे बोलती कि मैं ऐसा कब करती हूँ। तभी वो तीनों लड़कियां एक साथ बोलती कि ये अपना हमारे बारे में कितना सोचता है। रेंतर अपने फास्ट किस के बारे में बताता है। जब हकारी ने जब पाउट कर रही थी कराने ने सांस लेना ही छोड़ दिया। ये सुनकर वो दोनों साए होने लगते हैं। सिजुका बोलती है क्या सच में तुम दोनों ने किस करी थी। रिंतर बोलता है कि हाँ। सिजुका बोलती कि मुझे ये सुनकर बुरा लगा कि तुम्हारा पहला किस हो चुका है। हकारी बोलती कि क्या तुम किस करना चाहती हो। सिजुका बोलती कि नहीं शादी से पहले नहीं। रिंतर बोलता है कि कोई बात नहीं तुम जब रेडी हो जाओगे तब करेंगे। हकारी और कारा ने रिंतर को खाना खिलाने की कोशिश कर रही होती है और झगड़े लग रही होती है। रिंतर की मुँह के अंदर कभी सब्जियां कभी केक सब धड़ाधड़ उसे खिलाते जाते हैं। और वो अपने खाना खत्म करने के बाद तीनों गर्लफ्रेंड बैठते हैं और एक गर्लफ्रेंड बोलती है कि मेरी बात खत्म नहीं हुई तू बीच में मत बोल। दूसरी बोलती कि तू चुप कर मुझे बात करनी है उसे। वो लड़ते हुए बहुत ज्यादा पास आ चुके होते हैं और रेंतर बोलते हैं कि क्या तुम दोनों फिर से किस करने वाले हो। फिर वो देखता है सिजुका को जो कि अकेले बैठकर खाना खा रही होती है। सिजुका इनके साथ अच्छे से मिल नहीं पा रही है लेकिन मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर आया हूँ। जब कोई अपनी ट्रू थिंग किसी को दिखा देता है तो वो और भी फेमिलियर हो जाते हैं। फिर रेंतर अपनी पॉकेट से कार्ड्स निकालता है और बोलता है कि गर्ल्स तू मेरे साथ खेलना चाहोगी। और इसमें थोड़ा मिर्च मसाला डालते हुए बोलता है कि जो हारेगा उसका सब गुदगुदी करेंगे। वो तीनों लड़कियां काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि रेंतर उन्हें गुदगुदी करने वाला है हारने से। पहले राउंड में हम देखते हैं रेंतर जीत चुका होता है। वो हारी है वो है कराने और रेंतर उसको गुदगुदी करने ही वाला था। भिकारी कराने को बोलती है अगर तुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो तुम्हारी गंदी सी स्माइल छुपा लो। रिंतर उसे गुदगुदी करता है लेकिन वो अपनी गुदगुदी कंट्रोल कर देती है और वो जमीन में गिर जाती है और काफी सेक्सी सा लुक देने लगती है। रिंतर बोलता है कि तुम ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो मैं जैसे तुम्हारे साथ कुछ गंदा काम कर रहा हूँ। दूसरी राउंड में हम देखते हैं रिंतर जीतता है और हारती है हिकारी। और हिकारी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और एक्साइटेड में वो अपनी बूप्स भी बाहर निकाल देती है। कराने वहाँ पर आकर उसे छुपाने लगे और बोलती कि तुम चीटिंग मत करो। रेंतर हिकारी को गुदगुदी करता है। हिकारी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसे उसका हाथ बहुत पसंद आता है। भी हिकारी बोलती कि तुम रुक जाओ मुझे बहुत ज्यादा गुदगुदी हो रही है। हिकारी साइड में जाकर अपनी पेंटी को पकड़कर बोलती कि मैं बहुत ज्यादा सीड्यूज हो गई थी मैं वो करने ही वाली थी मैं बच गई। रेंतर थर्ड राउंड खेलता है जीतता है रेंतर और हारती है सिजुका। रिंतारो बोलता है कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ सिजुका को गुदगुदी करने के लिए क्योंकि वो हंसेगी और मैं देखूंगा उसे। रिंतारो जब उसे गुदगुदी करता है वो साइलेंट ही हंसती है और अपनी फोन से एक्सप्रेशन देने लगती है। रिंतारो बोलता है कि इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है और उसे और भी ज्यादा गुदगुदी करने लगता है। देखकर दोनों गर्लफ्रेंड जेलस हो जाती है और बोलते हैं कि हम दोनों का गोल एक ही है रिंतारो को हराना। कारी बोलती कि मैं रेंतर की हर बॉडी पार्ट को टच करना चाहती हूँ। कराने भी ऐसा ही बोलती है। फोर्थ राउंड स्टार्ट होता है सिजुका जीतती है और रेंतर हारता है। रेंतर खुद ही से ही नीचे बैठ जाते है और बोलते है कि आओ मुझे गुदगुदी करो। सिजुका जाकर उसके चेस्ट में थोड़ा थोड़ा गुदगुदी करती है लेकिन रेंतर बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। ये देखकर उसके दोनों गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा जेलस हो जाते हैं।
हिकारी बोलती कि क्या पता रेंतरो को छोटी लड़कियां और साई लड़कियां पसंद हो जो कि सिजुका है, शायद मुझे भी ऐसा ही बनना होगा। फिर सिजुका बोलती कि आज के लिए इतना। फिर रेंतरो वॉशरूम के लिए निकल जाता है और इसके तीनों गर्लफ्रेंड छत के ऊपर होती है। तभी कराने बोलती है सिजुका तुम अपने आप को क्यों रोक रही हो, क्योंकि हम दोनों यहाँ पर है इसलिए, अगर हम दोनों यहाँ पर नहीं होते तो तुम रेंतरो के हर बॉडी पार्ट को गुदगुदी करती। सिजुका बोलती है ऐसा नहीं है। कराने बोलती कि तुम ऐसी स्टूपिड गर्ल की तरह क्यों एक्ट कर रही हो। हिकारी बोलती कि क्योंकि तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम डरावनी हो। सिजुका बोलती कि मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि तुम दोनों उसे पहले से जानते हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही कर रही हूँ, मैं तुम तीनों के बीच पर थोड़ा ही आ रही हूँ। कराने बोलती है तुम अभी उसकी गर्लफ्रेंड हो, तुम जो करना चाहती हो वो करो ना उसके साथ। हिकारी बोलती है वो भी कौन बोल रहा है, जिसको अपने फीलिंग्स बताना भी नहीं आता है, सिर्फ लड़ना आता है। कराने बोलते क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। फिर सिजुका उसे माफी मांगती है। कराने बोलते कि मैं यही तो साथ चाहती थी, तुम मुझसे अच्छे से बात करो। सिजुका बोलती है ऐसी बात है तो मैं तुम सबसे अच्छे से ही बात करूंगी। सिजुका बोलती कि मैं काफी डरी हुई हूँ। हराने बोलती क्या मैं इतनी डरावनी हूँ। सिजुका बोलती कि नहीं नहीं आना जो इंसान अपनी बॉडी को काफी मेंटेन कर रखती है वो काफी ग्रेसफुल और मैनरफुल है, और कराने सा वो भी काफी अच्छी है, उनकी फेशियल फीचर बहुत ज्यादा अच्छा है और वो काफी कॉन्फिडेंस है। मैं तो उन दोनों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। मुझे लगता है रेंतरो हम तीनों को जज करेगा और मुझे तुम दोनों के साथ कंपेयर करेगा। वो दोनों बोलती है क्या ये बात है, ये कितनी क्यूट है और बहुत सॉफ्टली बात करती है। सिजुका बोलती कि मैं तुम दोनों की कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हूँ, मैं छोटी हूँ, काफी ज्यादा सैड रहती हूँ, मैं तुम दोनों से काफी अलग हूँ। अगर तुम रात हो तो मैं दिन और तुम दिन हो तो मैं रात। कराने बोलती कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो और छोटी हो, ये बहुत अच्छी बात है तुम्हारी, और मुझे माफ करना मैं तुम पर गुस्सा की। सारी बोलती है कोई बात नहीं, ये हमेशा ही गुस्सा रहती है। फिर वो तीनों काफी अच्छे से बात करती है ये सब बातें, और ये सब देख रहा होता है हमारा रेंतरो। रेंतरो सोचता कि ये गेम तो फायदेमंद है। फिर हमें गेम का फ्लैशबैक दिखा जाता है जहाँ पर सिजुका उसे गुदगुदी कर रही थी तो कराने को देखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, वो वहीं पर ही रोकना चाहता था, लेकिन वो सोचता है कि गेम का रूल तो यही था इसलिए मैं यहाँ से चला गया। और ये तीनों आपस में ही जान पहचान कर अच्छे से बात करने लगी। रेंतर वहाँ पर आता है और बोलता है कि मैं आ गया। हिकारी उसे वेलकम बैक करती है। कराने बोलती है जो लास्ट राउंड के अंदर रहा था उसको दोबारा करना होगा क्योंकि सिजुका ने उसको गुदगुदी ही नहीं किया था। सिजुका सोचती कि कितने अच्छे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं। सिजुका बोलती कि मैं करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो तीनों ही चौंक जाते हैं। सिजुका बोलती कि मैंने जो बोला था मैं शादी से पहले ये नहीं करूंगी, ये झूठ था। तरह बोलता कि हाँ ये तो मुझे पहले से ही पता था। का उसे किस करने के लिए अपना मुंह ऊपर उठाती है, वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। रेंतर उसके बालों में हाथ फेरने लगता है, वो भी काफी ज्यादा क्यूट होता है। रेंतर बोलते कि मुझे माफ कर देना, तुम क्यूट हो इस वजह से मैं तुम्हारे बाल को सहला रहा था। सिजुका उसके हाथ को पकड़ कर फिर से बाल को सहलाने लगता है और इन दोनों की पहली किस हो जाती है। सिजुका काफी शर्मा रही होती है और उसकी मुंह पूरी की पूरी टमाटो की तरह लाल पड़ चुकी थी। हिकारी कराने को बोलती कि तुमने अच्छा किया सिजुका की फीलिंग्स को बाहर निकाला, लेकिन तुम अपने मन की बातें नहीं निकाल पा रही हो। कराने बोलती कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हिकारी बोलती कि तो कोई बात नहीं मैं जाती हूँ। फिर वो रेंतरो के पास जाकर बोलती है क्या तुम मुझे किस करोगे। रेंतरो भी अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को किस करता है। रेंतरो बोलता है कि तुम तीनों बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल क्यूट और बहुत अच्छी हो। वो फिर से वो कराने के पास जाता है लेकिन कराने पीछे जाने लगती है। रेंतरो उसे हक कर लेता है, कराने उसे थोड़ा थोड़ा मारने लगती है। फिर रेंतरो उसे भी किस कर लेता है और कराने भी बहुत ज्यादा शर्माने लगती है, और तीनों किस करने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सपने की दुनिया में घुस जाती है। रेंतरो बोलता है कि मैं काफी खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली, भी एक नहीं एक दो तीन। बोलता है कि तुम तीनों बहुत ज्यादा अच्छे हो। आपको यह वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में बताएं।